वहीं का बैठ जाओ चुपचाप, चलो मम्मी के पास बैठो। ये इसमें क्या लिख रहा है तनिष्का? नयन। हाँ इधर देख लो सब बच्चे, अर्पित और ये सब देख लो इधर। ये नयन क्या करता है, जो बच्चे उधम करते हैं ना, जो अपने मम्मी पापा की बात नहीं सुनते और जो आंटी की भी बात नहीं सुनते, उनको क्या करता है, निकल के फटाक से पकड़ के और पकड़ ही लेता है। इसलिए सब लोग अभी जब तक आंटी बात कर रही है तो सब लोग अपने मुंह में उंगली रख लो, बिल्कुल आवाज नहीं आने को ना, ठीक है ना? एक मिनट, बिल्कुल। और मोहिका तुम भी शांत हो जा। अब ये बताओ अरुणा, ये खाती पीती क्या है, इसको बार बार दस्त की प्रॉब्लम क्यों होती है? ये खिलाती दाल चावल मैश करके खिलाती हो या खड़ा अनाज खिलाती? अभी बच्चों के दांत नहीं है, है ना? बच्चों के दांत नहीं तो अपन कैसे खाना खिलाना चाहिए उनको? अर्धठोस टाइप में का आहार खिलाना चाहिए। मैंने उस दिन भी मना करी थी कि इसको बिस्किट मत पकड़ाना, कोई जंक फूड मत पकड़ाना, किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं देना है। और दस्त लगने का कारण ये होता है साफ सफाई से ना रखना। और तुम तो खैर केयरफुल हो बच्चों के लिए, जिस हिसाब से बताती हो तो केयर करती हो बच्चों को, तो बच्चों को कोई भी चीज अपन अगर पकड़ाते हैं ना तो गंदगी में उठा के खाए, गोबर पड़ा है, गंदगी पड़ी है, तो क्या होता है, वही उनके पेट में अनाज जाता है। और वो ये ORS का पैकेट है, इसको बच्चों को पिलाना, एक लीटर पानी में बनाने का है ये, है ना? कितनी बार बोले हैं बताए, एक लीटर पानी में, साफ पानी में उबाल के ठंडा करके और फिर बच्चों को अगर दस्त लगे तो उनको पिलाना है। और दूसरी बात, साथ में ये जिंक की गोली 14 दिन, ये जिंक की गोली 14 दिन तक देना, एक गोली देना है। जब अगर दस्त बंद भी हो जाए बीच में तब भी ये 14 गोली का डोज रहता है तो बच्चे को ये देना है। इसके बाद में बच्चा दस्त के बाद में ठीक भी होता है ना, तब भी वो खाना खाना अच्छे से सीख जाता है, इसमें इतना पावर रहता है जिंक। 14 दिन तक आपको जिंक की गोली देना है। हाँ, दस्त में जो पानी और उसकी कमी आती है वो पूरी करता है। दूसरी बात, अभी ऋषभ ये कल इसका वजन किए थे तो कितना निकला प्रीति? 6 किलो 500 ग्राम है ना, और हाइट के हिसाब से 69 हाइट निकली इसकी, तो उसके हिसाब से ये क्या है, अभी मैम में आ गया, मतलब मध्यम कुपोषित में, जिस जो हाइट और वजन से दोनों कम है, ठीक है? तो इस बच्चे की अभी अपन ने इसको भूख की जांच करना है, तो इसके लिए हलवा बना के शांत माहौल में आपको इसको बिठाल के खिलाना है कि अपन देखेंगे कि वो भूख की जांच में पास होता है या फेल होता है। अगर वो हलवा तरीके से खा लिया तो वो खाने की इच्छा रखेगा, ठीक है ना? और अगर नहीं खाता है, अभी कुछ नहीं देना है उसको, सिर्फ पानी के अतिरिक्त थोड़ी देर मुँह में डालो भैया, और जैसे इसकी मुंह में उंगली डालने की आदत है, यही सब चीजें जो होती है ना, गंदगी, नाखून काटे बच्चे के, अपन सो रहा है तो उस हिसाब से काम करे कि उनका नाखून अपन ने काट दिए, किसी भी प्रकार से कोई भी चीज अपन दे रहे हैं अभी, ठीक है? और दस्त निकलने का कारण भी होता है कि दांत के कारण दस्त होते हैं। और ये ORS और ये दोनों आपको खिलाना है, कोई सभी लोग ले जाए यहाँ से, ठीक है? और क्या बताना चाहती है साथी, जिंकी की गोली तो 14 दिन खिलाना है। और बच्चों को अभी फ्रूट्स आ रहे हैं, केले आ रहे हैं और पपीता आ रहा है, अपने हाथ से खिलाओ उनका स्वास्थ्य एवं पोषण बढ़ाने के लिए, आप भी खाओ। अभी आपका दूध पी रहे हैं बच्चे, तो आपको भी सुपोषित रहना है। और 3 साल तक आप लोगों को परिवार नियोजन अपनाना है, मतलब कि 3 साल तक एक बच्चे के और दूसरे बच्चे के उसमें अंतर रखना है। तो जो बातें आपको समझा रहे हैं तो बिल्कुल समझ के जाओ। और तन्नु तो बिल्कुल सुन रही नहीं है, देखो नहीं पकड़ाऊं कैसे निकल के, क्यों? ठीक है।